Hello everyone, welcome to the new video. So today in this video I am going to talk about SIAB Pune. So guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SIAB पुणे के बारे में. ये कॉलेज पुणे में लोकेटेड है और ये मेनली SIBM SC MHRD और इसके बाद ही मेनली जो अप्लाई करते हैं सिम्बॉयसिस में, तो वन ऑफ द टॉप कॉलेज माना जाता है सिम्बॉयसिस का. थिंक टॉप टॉप 5 में ही आता है, ठीक है, SIAB पुणे. एंड इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीट बात करने वाले इसी कॉलेज के बारे में. तो जो भी लोग चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर लो. तो ये ऐसा कैंपस है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है सिम्बॉयसिस का. आप लोग जाओगे तो देखोगे मेनली, तो ये सब उनका क्लासरूम ये सब है, ठीक है. सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से लाइक कर देना. एक सारे ग्रुप्स पे स्नैप के, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो. सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. सो ऐसा ये भी पुणे है क्या? सो मेनली 1992 में ये स्टैब्लिश हुआ था. पहले जो गाइस था SIAB का नाम सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड था. एज द ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड एक मतलब एक्सपेंडर मैनेजर द फील्ड नीड टू प्रोएक्टिवली ट्रांसफॉर्म द इंस्टीट्यूट फ्रॉम फॉरेन ट्रेड टू इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, ठीक है. तो पहले SIFT था, फिर SIAB हो गया. 2020 इन 2002 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्म डीम टू यूनिवर्सिटी किया गया सिम्बॉयसिस को, ठीक है. खुद का इनका यूनिवर्सिटी. बाकी यहाँ पे जो प्रोग्राम ये सब MBA प्रोग्राम इंटरनेशनल बिजनेस 1982 ये सब में आया. फिर एग्री बिजनेस 2004 में ये सब इनका आया. 2009 में इनका एनर्जी एंड एनवायरमेंट का यहाँ पे तीन जो प्रोग्राम चलते हैं वो सब आया, ठीक है. प्रोग्राम्स के गए जैसे मैंने बोला तीन प्रोग्राम्स यहाँ पे चलते हैं. इसमें सीट्स यहाँ पे है 120 सीट्स आपको इंटरनेशनल बिजनेस में है, एग्री बिजनेस 60 सीट्स है, एनर्जी एंड एनवायरमेंट 30 सीट्स है, ठीक है. एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो कैंडिडेट्स 50% होने चाहिए अगर आपका मेनली जनरल कैंडिडेट हो, बैचलर डिग्री है तो. बाकी 45% केस ऑफ SC ST PWD कैंडिडेट्स वन इन फाइनल ईयर ऑल्सो अप्लाई एलिजिबल होते हैं. स्नैप स्कोर लगता है, सेपरेट फॉर्म आपको भरना पड़ता है यहाँ पे स्नैप के लिए, ठीक है. तो ये सब गाइज यहाँ पे एलिजिबिलिटी है. उसका रिजर्वेशन की अगर बात करें SC का 15%, ST का 7.5% डिफरेंस एबल हो तो 3% है यहाँ पे, और चिल्ड्रेन वार्ड ऑफ डिफेंस है तो 5% यहाँ मिल जाता है. रिजर्वेशन और भी है काफ़ी सारे, ठीक है. तो ये सब मेरी हर एक का गाइज मेरी सेम ही है, ठीक है. तो आप लोग वेबसाइट पर उनका दिया था, मैंने यहाँ पे शो कर दिया. उसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, सिलेक्शन में स्नैप स्कोर लगता है, उसके बाद GEPI लगता है मेनली. GEPI मतलब ग्रुप इवेलुएशन पॉसिबल इंटरव्यू, ठीक है. फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट करोगे, कट ऑफ जब क्लियर कर लोगे तो आप स्नैप के स्कोर से. तो उसके बाद ग्रुप इवेल्युएशन ये सब हो जाता है. उसके बाद मतलब GDPA सिंपल से इसको बोलो होता है. उसका फाइनल सिलेक्शन है मेरिट लिस्ट बनता है. परसेंटाइल जो गाइज रिक्वायर होनी चाहिए आपको 93% अगर आपको आता है, मतलब 90 एबव, मतलब 93 का सेम स्कोर हो जिसका स्कोर बनता है 38.75+, तो आपको इतना चाहिए मिनिमम, ठीक है. मैं बता रहा था वो शॉर्ट शॉर्ट कॉल आएगी 93% है तो स्नैप में, ठीक है. सो गाइज अगर हम लोग बात करें फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो फीस गाइज सिंपल है इसका. IB का है 20.92 लाख, एग्री का है यहाँ पे 14.92, और जो MBA का एनर्जी एंड एनर्जी वाला जो प्रोग्राम है आपका वो 14.88 का इसका फीस है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे गाइज अगर हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस का प्रोफाइल का बात करें, तो BE BTEC से 43% आते हैं यहाँ पे, BCom ऑनर्स से 20%, BBA और BBA ऑनर्स से यहाँ BMS 18% है. तो यहाँ पे गाइज BCom और काफ़ी BBA से भी काफ़ी सारे बच्चे हैं. BA से 7%, अदर से 12%. जेंडर डाइवर्सिटी की बात करें 70% मेल से 30% यहाँ पे फीमेल है. वर्क एक्सपीरियंस भी गाइज सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर है. तो गाइज ये बहुत अच्छी बात है इस कॉलेज की, अगर आप प्रेशर में हो मेनली कॉलेज देख रहे हो. इवन IIM में से भी इतना ज़्यादा प्रेशर्स नहीं रहते, तो आप फ्रेशर्स का यहाँ पे अगर आपको तो आप जा सकते हो, उस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो. बाकी और भी बाकी वर्क एक्सपीरियंस वाले भी हैं. सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल प्लेसमेंट देखोगे तो सबसे ज़्यादा IT में हुए 27.5, BFSI में 22.9% यहाँ पे, कंसल्टिंग में भी काफ़ी सारे हुए हैं और अदर से सब, ठीक है. बाकी एग्री बिजनेस का भी देखो 34% फीमेल है, 66% यहाँ पे मेल है. एग्रीकल्चर में देखो वो 68% है, हॉर्टिकल्चर 11% है, बाकी 84% इंस्पिरेशन है. सो गाइस ये बहुत ह्यूज नंबर है एग्री बिजनेस में खासकर, ठीक है. तो यही सब है. और एनर्जी एंड एनवायरमेंट में भी गाइस 41% फीमेल है, 59%. यहाँ पे गाइस जेंडर रेशियो थोड़ा सा इक्वल लग रहा है, ठीक है. ये थोड़ा न्यू
स्पेशलाइजेशन है, इसलिए 32% यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से है, बाकी केमिकल इंजीनियरिंग 40, इलेक्ट्रॉनिक एंड ईसी इंजीनियरिंग 14%। भाई वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल देखोगे तो 50% यहाँ पे फ्रेशर्स है, बाकी और भी यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले हैं। कंसल्टिंग में यहाँ पे गाइस सबसे ज़्यादा यहाँ पे फाइनल प्लेसमेंट हुआ है। बाकी समर प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इंटरनेशनल बेस में हाईएस्ट स्टाइपेंड 1.65 का गया है, और एवरेज स्टाइपेंड 40 का गया है, और मीडियन 22 का गया है। सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो, सबसे ज़्यादा 21% यहाँ पे आईटी में गया है, ठीक है, तो मेनली आईटी बैकग्राउंड जिनका है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और बाकी 15% ये सब एनालिटिक्स सेक्रेटेक ये सब कंसल्टिंग में सभी के में गए आप लोगों को यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। एग्री बिजनेस की बात करें तो 77,000 यहाँ पे हाईएस्ट है, एवरेज 36 और मीडियम 33 का गया, ठीक है। एग्री इनपुट की बात करें 34% है यहाँ पे, 21% यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ये सब में गया है, 29% एफएमसीजी ये सब, ठीक है। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो हाईएस्ट 55 गया है, एवरेज यहाँ पे 38 और मीडियन यहाँ पे 33 गया है। सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी सेम ही है, 23% यहाँ पे कंसल्टिंग ये सबसे, और यहाँ पे 18% यहाँ पे मेनली बीएफएसआई ये सबसे, ठीक है, तो ये सब गाइस देख सकते हो। बाकी फाइनल प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल बिजनेस में जो है, टॉप 10% को यहाँ पे जो गया हुआ है यहाँ पे वो आपको अगर हम लोग बात करें तो 18.89 है, ठीक है, टॉप 10% को यहाँ पे, और 25 को 17.16 है, और टॉप 50 को यहाँ पे 15.5 है। तो इसमें गाइस अगर हाईएस्ट देखोगे 24 गया है, मीडियम गाइस देखा करो 12.65 का है इंटरनेशनल बिजनेस। तो गाइस आरओआई उतना भी नहीं है, बट गाइस आप टॉप में रहोगे तो गाइस आपके लिए टॉप, जैसे टॉप 10% में रहोगे, टॉप 25 में भी, ठीक है, तो गाइज आपके लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो गाइज अच्छा परफॉर्म करो, टॉप में रहो, ठीक है, सेम एस एम अच्छा मार्क्स लाओ, एक्सपीरियंस अगर है तो गाइज काफ़ी अच्छा है आपके पास भी, उससे गाइज आपको फर्क पड़ता है कंपनी का प्लेसमेंट क्रैक करने। ये सब कंपनीज मैंने यहाँ पे दे दी है जो उनके वेबसाइट पर लिस्ट थी हर एक का। एग्री बिजनेस का भी है यहाँ पे, तो एग्री बिजनेस में टॉप 10% को यहाँ पे 14.47 है, टॉप 25 को यहाँ पे 12.99 है, टॉप 50 को यहाँ पे 11.89 है। मीडियम सैलरी है वही 13.33, हाईएस्ट है 16.18। ये सब गाइस कंपनी आती है यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो। बाकी एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी गाइस आपको टॉप 10% को 15.95 है, टॉप 25% को 15.20, टॉप 50 को यहाँ पे 13.30, हाईएस्ट है यहाँ पे 15.95, एवरेज है 11.81, मीडियम है यहाँ पे 11.23। ये सभी गैस कंपनी अडानी पीडब्ल्यूसी, मतलब ये जितने भी कंपनी गैस आपको इस कैंपस में देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड ये सब गैस परमानेंट रिक्रूटर्स उनके वेबसाइट भी दी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे सबकी लिस्ट डाल दी है, जैसे कि हर एक में गैस अडानी, सिंगेटा, प्राइसल, पीडब्ल्यूसी, ठीक है, तो अच्छी खासी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। आर ओ आई गैस मेनली आप टॉप में रहोगे तभी गैस यहाँ पे आर ओ आई अच्छा निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप एक एवरेज हो तो मेनली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट ऑल द बेस्ट गाइस अगर आप ऐसा ही भी कर रहे हो तो इसके डेट्स जैसे ही आएगी, 5 जुलाई को आपका स्नैप का यहाँ पे मतलब कल आप लोग का स्नैप आउट होने वाला है फॉर्म, तो चैनल बने रहना, आपको नोटिफिकेशन की डेट्स आपको मैं बता दूंगा और कब क्या फॉर्म भरना है, तो आप इस चैनल बने रहना, मैं आपको डिटेल्स जरूर से बता दूंगा, ठीक है। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।